ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे से हादसे को का पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ कांगड़ा का पूरा प्रशासन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये SDM सुनील गौतम है यहाँ, सुरेश महाजन चीफ इंजीनियर भी है, और SC साहब भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक एक अपडेट आपको देंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और सर्च ऑपरेशन अभी कहाँ तक पहुँचा। आज सुबह बड़ा एक ट्रैफिक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और सुबह लगभग 11 बजे के आसपास हुआ है, जो हमारे IPS के रेई साहब अलॉन्ग विद हिज फील्ड स्टाफ, यहाँ पे एक पंप हाउस है ऊपर की आप पहाड़ी देख रहे हैं, जिसके दूसरी तरफ वहाँ पे कुछ उसका रिपेयर वर्क था। कंसिडरिंग कि बारिश आज रुकी हुई थी तो उन्होंने वहाँ जाना ज़रूरी समझा कि उसको ठीक करके ताकि लोगों तक पानी की सप्लाई हो सके। तो वहाँ पर एकदम से जो उनके साथ में थे कुछ स्टाफ के लोग, नौ स्टाफ के, उन्होंने बताया कि वहाँ पे एकदम से ज़मीन धंस गई और किसी को मौका ही नहीं लगा। और अनफॉर्चुनेटली जो जेई साहब हैं रजेश कुमार, वो नीचे फटने चले गए और उनके रेस्क्यू के लिए यहाँ पर, जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, IPS का सारा स्टाफ है, और रेस्क्यू के लिए SDRF की टीम तुरंत बुलाई गई। SDRF की यहाँ दो टुकड़ियाँ लगी हुई हैं, सर्च ऑपरेशन लगा हुआ है, पुलिस का प्रशासन के साथ, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली बॉडी नहीं थे उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बता सकते। और उनके साथ ही वहाँ थोड़ा हाइट पे दो लोग और साथ में वेल्डिंग का काम करते थे और वहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे स्लाइडिंग बार बार हुई है, जिससे कि दो लोग वहाँ फंसे हुए थे। तो हमारी एक SDRF की टुकड़ी 5-6 लोगों की अलॉन्ग विद हमारे SHO कांगड़ा संजीव जी, वो वहाँ वहाँ पर गए और बड़ा रिस्की सिचुएशन में उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखी। उनको अभी दोनों को रेस्क्यू किया है, तो वो रेस्क्यू हो गए हैं जो दो लोग थे। बट अभी तक जो जेई साहब हैं उनके बारे में, उनकी बॉडी के बारे में अभी अपडेट नहीं है। तो ये कांगड़ा SDM सुनील गौतम जी ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है हमें कि जेई साहब के साथ जो है दो लोग और वहाँ पर फंस गए थे, उनको निकाल लिया गया सब कुछ। तो आपको चीफ इंजीनियर जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम पूछते हैं सर आपके ज्ञान को। देखिए, आपको जो SDM साहब ने ब्रीफ किया है, हमारी एक पेयजल योजना है यहाँ पे दोनों की जला रही है, तो क्योंकि जिस तरह से ये बारिशों का दौर चलता है हमारी ये पेयजल योजना बंद पड़ी थी, तो आज ही थोड़ी सी बारिश से राहत मिली है। तो ये हमारे बहुत ही विभाग के सिंसियर थे रजेश चौधरी जो थे, वो अपनी टीम के साथ यहाँ सुबह ही 8:30 बजे वो घर से निकल के और यहाँ पे आ गए थे आज, क्योंकि इसको स्क्रीन को उन्होंने रिस्टोर करना था। उनके साथ पम्प ऑपरेटर, हेल्पर और एक लोकल कॉन्ट्रेक्टर साथ लेके वो यहाँ पे आए, और जब वो यहाँ के टीम का निरीक्षण कर रहे थे तो एक हाई संपल के पास खड़े थे, तो जैसा बताया कि उस टाइम एक बड़ा जोर का धमाका हुआ है और जब वो पहाड़ी खिसकी है तो उस धमाके के साथ, क्योंकि वो एकदम से धमाके के कंपन के साथ वो जे साहब जो साइड पे खड़े कुछ डायरी पे शायद बताया ऐसा कि कुछ प्लान कर लेते हैं कैसे वो काम करना है, वो गिरे हैं और गिर के सीधे वो नीचे दरिया में स्पिन करते गिरे हैं। तो अब वो पहाड़ी जब खिंचने लगी है तो बाकी जो साथ उनके दो लोग हमारे थे और वो जो कंडक्टर थे वो अपनी जान बचाते हुए भागे हैं और उन्होंने उनको नीचे गिरते हुए कुछ दूरी तक उन्होंने उसको उस टाइम देखा है। तुरंत हमारी प्रशासन से बात हुई है, हमारे SC साहब सारी SC साहब पूरी टीम यहाँ पे मौके पर पहुँची है, सारा प्रशासन यहाँ पे पहुँचा हुआ है और हमारी एक SDRF की टीम जो है वो उनको हमारे हम भगवान से बस ये दुआ करें कि कोई क्षमा हो और वो हमारे को वो सुरक्षित कहीं मिले तो उसको ढूंढने के लिए वो पूरे प्रयास SDRF टीम द्वारा किए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन कहाँ कहाँ चल रहा है? सर्च ऑपरेशन जो बताया मेरे को, आगे भी हमने अपने पंप अपनी हमने अपने जहाँ जहाँ पंप हाउसेज हैं हमने एक अपने विभाग में भी अलर्ट जारी कर दिया है कि सारे पंप हाउसेज पे जो हमारे स्टाफ कार्यरत है वो सुरक्षित स्टाफ पे खड़ा होकर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, क्योंकि अगर कहीं किसी भी हालत में अगर वो मिल जाता है कुछ हमें सुराग मिलता है तो हम इसमें आगे कार्रवाई कर सकें, भगवान से यही दुआ कर रहे हैं। इसके अलावा जो दो एक और इस स्पॉट के अलावा इससे ऊपर हाइट पे एक पंप हाउस में, दूसरे पंप हाउस में एक दो लोग हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर के लोग थे वो बिल्डिंग का काम करते थे, तो वो इस जब वो बाड़ी खिसकी है तो उस टाइम वो उनका इमीडिएट वो उनको और बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं लगा क्योंकि और वो डर के वहाँ बैठे हुए थे। तो प्रशासन ने तो एक SDRF की टीम जो है वहाँ भेज के उनको अभी जो खबर मिली है वो उनको सुरक्षित वहाँ से निकाल दिया गया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दो लोगों को जो वहाँ फंस गए थे अभी भी वो हालात ऐसे बने हैं कि किसी भी टाइम और ये भूस्खलन जो है ये किस तरफ क्या दिशा लेता है तो इसका कोई संभावना जो है वो निश्चित नहीं है,
तो उनको निकाल लिया गया है। पर सब यही दुआ कर रहे हैं कि हमारे को वो जो हमारे ब्रजेश चौधरी जो हमारे विभाग के कम जी हैं बस उनका कुछ लाभ चीफ इंजीनियर जी ने भी यही बताया कि राजेश जी का सुराग लगाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी हमारे साथ एस सी साहब भी हैं, इनसे भी उनका भी वर्तन हम लोग देखो। हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे कलीग हैं जी हैं उनका SDRF की टीम और हमारे लोग भी साथ में डिपार्टमेंट के अलॉन्ग द बनेरखंड तरक्की कर रहे हैं तो कहीं से उनका कोई सुराग लगे क्योंकि बहती जैसे मैं चाहूँगा कि भगवान से यही प्रार्थना है जल्दी से जल्दी हम उनका कुछ पता लगा सकते। बाकी जो दो लोग हमारे पंप हाउस में बताया वो फंसे हुए उनको SDRF ने रेस्क्यू कर लिया। दो तीन जगह सर्च ऑपरेशन चला हुआ है विभाग भी और साथ में SDRF और प्रशासन लगा हुआ है। शीघ्र कामना करते हैं कि जल्दी हम उनका खुलिए। हमारे साथ देखिए कांगड़ा के सारे आला अधिकारी जुड़े हुए थे और इन्होंने एक एक चीज बताई कि इस हादसे के बाद आखिर ये लोग कैसे तुरंत सक्रिय हुए। सारा प्रशासन सक्रिय हुआ और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि अभी जेई राजेश जी को ढूंढा जा रहा है लेकिन दो लोग सबसे बड़ा अपडेट SDM सुनील गौतम जी ने दिया कि दो लोग ऊपर फंसे हुए थे जो वेल्डिंग का काम कर रहे थे वो भी फंस गए तो उनको जो है सकुशल निकाल लिया गया। काफ़ी देर से उनको भी निकालने के लिए रेस्क्यू चल रहा था उनको निकाल लिया गया। आगे हम आपको इस हादसे की एक एक अपडेट देते रहेंगे। आप समाचार फर्स्ट के साथ बने रहिए। धन्यवाद।